चार दिनों का लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा का आज संध्या को अर्घ दिया गया। रविवार की शाम चिरकुंडा तालडंगा हाउसिंग कॉलोनी स्थित छठ तालाब पर डूबते सूरज को अर्घ दिया गया और लोगों ने छठ मैया से परिवार सुख स्मृति मनोवांछित पल प्राप्त करने की कामना की। इस दौरान लोगों ने कोरोना गाइडलाइन के नियमों का पालन किया, लेकिन कोरोना काल में छठ महापर्व पर चिरकुंडा नगर परिषद के घटिया रवैया को देखते हुए लोगों में नाराजगी देखी गई। तालडंगा हाउसिंग कॉलोनी के रहने वाले समाज सेवी लाल बाबू सिंह ने कहा, सनातनी धर्म का आस्था का महापर्व छठ पूजा में चिरकुंडा नगर परिषद के द्वारा किसी प्रकार की कोई साफ सफाई नहीं की गई। इस कोरोना काल में ब्लीचिंग पाउडर या सैनिटाइज नहीं किया गया। परिषद के सभी जनप्रतिनिधि लुप्त हो गए। महापर्व के अवसर पर भी नगर परिषद द्वारा कोई रुचि नहीं दिखाई गई। आइए बात करते हैं तालडंगा हाउसिंग कॉलोनी के रहने वाले समाज सेवी लाल बाबू सिंह से कि छठ पूजा के संदर्भ में क्या कह रहे हैं। हिंदू समाज का एक छठ पूजा में आस्था है, वो आस्था के चलते पूजा मास वगैरह लगा के जो भी जो सरकारी व्यवस्था उस हिसाब से मास लगा कर उसके बाद पूजा पाठ किया जा रहा है। पर सबसे दुख का बात है कि आप नगर परिषद से कोई ब्लेंचिंग पाउडर, कोई लेबर नहीं, कहीं कोई व्यवस्था नहीं, कहीं कुछ मने जो है सो कहीं मने नगर पंचायत के एक वो भी कोई प्रतिनिधि भी दिखाई दर्शन नहीं मिला। जो भी हुआ तालडंगा हाउसिंग कॉलोनी के दुर्गा पूजा कमेटी के माध्यम से साफ सफाई और ब्लेंचिंग पाउडर का सारा व्यवस्था हम लोग कोशिश किए ज़्यादा से ज़्यादा साफ सफाई करें और करके और ये माँ दुर्गा का जो चैत्र का जो छठ पूजा होता है इसको अच्छे से अच्छे ढंग से मनाया जाए। ठीक है सर, काल में सर अपना परिचय बता दीजिए। लाल बाबू सिंह, तालडंगा हाउसिंग कॉलोनी, समाज के कार्यकर्ता। अगली खबर देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।